विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा एजुसेट पर प्रसारित आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की प्रस्तुति रहेगी कक्षा 8 पाठ 1 भोजन के पोषक तत्व भाग 1। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी इस COVID-19 की स्थिति में अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ खुश होंगे। आप सभी बच्चों का इस नए सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे जो हैं कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक होंगे। तो क्या सभी तैयार हैं? तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारी कक्षा 8 होम साइंस का पहला पाठ, भोजन के पोषक तत्व। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपने इस पाठ से रिलेटेड कक्षा 7 में क्या पढ़ा और कितना आपको उससे संबंधित कितना सीखा आपने। कुछ बातें सीखी होगी। तो आइए हम ये नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पीछे जो 7th क्लास का आपका चैप्टर था उस पर नज़र डालते हैं जो इससे संबंधित है। तो सबसे पहले देखते हैं कि भोजन क्या होता है। हम सब लोग भोजन खाते हैं, भोजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो भोजन होता क्या है कि वो सभी ठोस और तरल पदार्थ जिन्हें खाया व पचाया जा सके, जिनसे शरीर को ऊर्जा मिले और शरीर की वृद्धि में सहायक हो, वो क्या कहलाता है? भोजन। तो भोजन क्या हुआ? कोई भी ठोस या तरल चीज जो हम खाते हैं, जिनको पचाया जा सके, जिनको खाया जा सके और जिनको खाने के बाद क्या है, हमें ऊर्जा मिले और हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में वो सहायक हों, तो वो क्या कहलाते हैं? भोजन। जैसे आपने 8वीं क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि रीना की जो माँ है वो रीना को डॉक्टर के पास लेके जाती है कि रीना का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो हर समय कमजोरी महसूस करती है, उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता, ना खेलने कूदने में मन लगता है। तो उसकी माँ डॉक्टर से के पास उसको जांच के लिए लेके जाती हैं। तो डॉक्टर जो है वो जांच करने के बाद क्या कहता है कि इसको कोई विशेष बीमारी नहीं है, सिर्फ जो है संतुलित भोजन का अभाव है जिसके कारण इसके शरीर में कमजोरी आ गई है। तो उसकी माँ ने बताया कि हाँ, रीना जो है आजकल पर्याप्त भोजन भी नहीं करती और जो स्कूल में मिड डे मील बनता है वो भी नहीं खाती। तो डॉक्टर ने रीना को बताया कि बेटा, अगर संतुलित आहार आपको क्या है, संतुलित भोजन की ज़रूरत है, क्योंकि शरीर में अगर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो उससे आलसपन, चिड़चिड़ापन, पढ़ाई में मन ना लगना, किसी चीज़ में मन ना लगना, इस तरह की समस्याएं हो सकती है और धीरे धीरे क्या है कि आपको कोई भी रोग होने की संभावना हो सकती है। तो अब देखते हैं कि संतुलित भोजन, जैसे डॉक्टर ने कहा कि क्या होता है, उसमें क्या क्या आएगा कि संतुलित भोजन वो होता है जिस भोजन में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में विद्यमान हो, उसे क्या कहा जाता है? संतुलित भोजन। तो पोषक तत्व कौन कौन से पढ़े थे आपने? जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल, ये सारे क्या हैं? पोषक तत्व। तो इन पोषक तत्वों की जो अगर उचित मात्रा हमारे खाने में विद्यमान है तभी हम खाने को क्या कहेंगे, हमारे भोजन को क्या कहेंगे? संतुलित भोजन कहेंगे। फिर जो ये हम कोई भी संतुलित भोजन है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो भोजन के अंदर जो विद्यमान पोषक तत्व होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर विभिन्न कार्य करते हैं। तो कार्यों के आधार पर इन पोषक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया था, आपने पढ़ा था, याद है कुछ आपको? तो कार्यों के आधार पर पोषक तत्वों को 3 भागों में बांटा गया। पहला है ऊर्जा प्रदान करने वाले, दूसरा है वृद्धि प्रदान करने वाले और तीसरा क्या था? सुरक्षा प्रदान करने वाले भोजन। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऊर्जा प्रदान करने वाले कौन कौन से भोजन थे। तो ऊर्जा किसके लिए चाहिए होती है? हम जो दैनिक प्रतिदिन के कार्य करते हैं उसमें के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा हमें किन किन से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट और वसा से। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? ऊर्जादाता, मतलब जो है पोषक तत्व कहते हैं इनको। और ये किन किन से प्राप्त होते हैं? अनाज, तिलहन, गुड़, चीनी, घी, तेल आदि से ये हमें प्राप्त होते हैं। दूसरा था हमारा
वृद्धि प्रदान करने वाले। तो शरीर जैसे आप क्या जितने कक्षा 4 में थे, क्या आपकी हाइट अभी भी उतनी है या लंबे हो गए हो? क्या बच्चा जब छोटा होता है 1 साल का होता है, फिर जब 5 साल का होता है धीरे धीरे अब उसकी आयु बढ़ती है, तो क्या उसका शरीर उतना ही रहता है? नहीं रहता ना, बढ़ते रहते हैं। तो बढ़ते रहते हैं तो इस बढ़ोतरी के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। किस चीज़ की आवश्यकता होती है? प्रोटीन की। शरीर की निरंतर वृद्धि के लिए, नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए, और जो हमारी टूट फूट होती रहती हैं कोशिकाएं, उनकी मरम्मत के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो प्रोटीन हमें, इसलिए प्रोटीन को क्या कहा जाता है? वृद्धि कारक तत्व भी कहते हैं। वृद्धि कारक तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे शरीर की वृद्धि में काम आता है। और प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ से मिलती है? इसके स्रोत पढ़े थे आपने, अंडे, मांस, मछली, दालें, फलियाँ, मूंगफली, दूध और दूध से जो बने हुए पदार्थ होते हैं उनसे हमें क्या मिलती है? प्रोटीन। थर्ड है हमारा सुरक्षा प्रदान करने वाले, जो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं, जो हमें बीमारियों से बचाते हैं, बीमारियों से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर प्रदान करते हैं, या जो भी हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाएं होती रहती हैं उनको कंट्रोल करते हैं। जैसे हमारे शरीर का तापमान है को नियंत्रण करना है, या जो हमारे शरीर की अन्य गतिविधियां हैं उनको कंट्रोल करना है, मल मूत्र का उत्सर्जन करना है, तो ये कार्य कौन करता है? विटामिन और खनिज लवण कौन करते हैं? विटामिन और खनिज लवणों के द्वारा किए जाते हैं। और ये किन में मिलते हैं? फलों में, सब्जियों में मिलते हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? सुरक्षात्मक भोज्य तत्व। क्या कहा जाता है? सुरक्षात्मक भोज्य तत्व। इसके बाद हमने पढ़ा था कि खाद्य समूह। खाद्य समूह क्या होते हैं? कि प्रकृति के अंदर विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ जो है उपलब्ध हैं, उनमें जो पोषक तत्व है, जैसे हमने अभी ऊपर पढ़े पोषक तत्व कौन से थे? कार्बोहाइड्रेट है, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन्स। ये इन पोषक तत्वों के आधार पर जो, मतलब कौन से खाद्य पदार्थ के अंदर कौन से पोषक तत्व होते हैं, इनके आधार पर इन जो है हम खाद्य पदार्थों को अलग अलग समूह में विभाजित करते हैं। तो हमने इनको 5 अलग अलग जो है खाद्य समूह में विभाजित किया था। तो ये कौन कौन से 5 जो है खाद्य समूह देखते हैं। सबसे पहला है अनाज, दूसरा दालें और फलियां, तीसरा अंडे, मांस, दूध और मतलब दूध से बने हुए उत्पाद, फिर था फल और सब्जियां, और 5वां है वसा और शर्करा। तो इनको अलग अलग जो है विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में उपलब्ध जो है पोषक तत्वों के आधार पर इनको अलग अलग रूप में बांटा गया है। तो अनाज में क्या आता है? जैसे चावल है, गेहूं, मक्का, बाजरा, जो जो भी आप मतलब अनाज खाते हो वो हमारे भोजन का क्या है? एक मुख्य भाग होता है। हम इनका सेवन जो है और चीज़ों की अपेक्षा जो अनाज का सेवन ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ये क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत होते हैं। इनसे जो है हमें क्या मिलता है? पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और वसा मिलती हैं, और रेशे भी इनसे प्राप्त होते हैं। इनमें प्रोटीन, विटामिन बी समूह तथा लौह तत्व भी प्रचुर मात्रा में विद्यमान होते हैं। नेक्स्ट है हमारा दालें और सब्जियां में क्या क्या आते हैं। जैसे आपने घरों में दाल, हर तरह की दाल प्रयोग करते होंगे आप, अरहर की दाल है, उड़द है, मूंग है, राजमा, काले चने, सोयाबीन, इस तरह की जो दालें हैं वो सारी इस ग्रुप में आती हैं। फलियां हैं, ये हमारे भोजन का मतलब एक विशेष भाग होती हैं। और इनमें क्या होता है? ज़्यादातर मुख्य प्रोटीन ज़्यादा मिलता है। जैसे अनाजों में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होती हैं, दालें और इसमें फलियों में क्या होता है? प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो दालों में जो है विटामिन बी समूह, कैल्शियम, लौह तत्व, ये भी अधिक मात्रा में विद्यमान होते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है अंडे, मांस, दूध और दूध से बने हुए उत्पाद। तो इसके अंदर क्या क्या आएगा? क्या क्या कौन से आएंगे इसमें? दूध, दही है, पनीर है, खोया है, लस्सी है, मतलब जो दूध और दूध से बने हुए उत्पाद हैं, जो दूध से जो चीज़ें बनती हैं, अंडे, अंडे, मांस, दूध, इसमें सारी कैटेगरी आ जाती है। ये मांस, तो इसमें इनमें क्या होता है? प्रोटीन होती है, कैल्शियम के, प्रोटीन और कैल्शियम के मुख्य स्रोत होते हैं। इनमें विटामिन ए, विटामिन बी और वसा भी पर्याप्त मात्रा में होती है। नेक्स्ट ग्रुप है हमारा फल और सब्जियां। तो फलों एवं सब्जियों में
क्या होते हैं, ज़्यादातर रेसे होते हैं, विटामिन्स होते हैं, खनिज लवण जो है भरपूर मात्रा में मिलते हैं हमें, खट्टे फल जैसे हैं किन्नू, संतरा, मौसमी, आंवला, इनमें विटामिन सी की काफ़ी मात्रा होती है, पपीता है, आम, अनार, इनके अंदर गाजर, इनके अंदर विटामिन ए की मात्रा होती है, मतलब ये के अच्छे स्रोत होते हैं ये, केले, अनार, ये जो है लौह तत्व में मौजूद होता है इनके अंदर, सूखे फल या सूखे मेवे हैं जैसे अंजीर, बादाम, अखरोट, किशमिश, इनके अंदर लौह तत्व होता है, कैल्शियम होता है, रेशा भी होता है और वसा की मात्रा भी अधिक होती है। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक है, मेथी है, चौलाई, सरसों, बथुआ, इनके अंदर कैल्शियम, लौह तत्व, विटामिन सी की मात्रा जो है काफ़ी मात्रा में होती है। जड़ वाली सब्जियां हैं जैसे शलगम है, अरबी है, आलू है, कचालू है, तो इनके अंदर जड़ वाली सब्जियों में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत माने जाते हैं ये। पांचवा ग्रुप हमारा है वसा और शर्करा। वसा से आप क्या समझते हैं कि जिन चीज़ों में चिकनाई की मात्रा अधिक होती है उनके अंदर वसा होती है। घी है, मक्खन है, या जैसे तेल है, तेलों में जैसे आपके घर सरसों का तेल, नारियल का तेल, तिल का तेल, कोई भी तेल जो आप खाने में प्रयोग करते हैं, इन सभी से हमें क्या मिलती है, वसा भी किस चीज़ का स्रोत है, ऊर्जा का, और कार्बोहाइड्रेट भी किसका का है, ऊर्जा का। और तो नेक्स्ट शर्करा, इसके अंदर शर्करा किसमें होती है कि गुड़, चीनी, शक्कर, जिन जो मीठी चीज़ें होती है जिनके अंदर, शहद आदि जो भी मीठे पदार्थ होते हैं, इनके अंदर क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, और कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों ही किस चीज़ के स्रोत हैं, ऊर्जा के स्रोत हैं। तो ये सब आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था। नेक्स्ट है भोजन पिरामिड। तो आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक जो मनुष्य होता है उसकी भोजन संबंधी पसंद नापसंद जो है अलग अलग होती है, लेकिन पसंद नापसंद के बावजूद हमें क्या है, संतुलित भोजन सभी को जरूर करना चाहिए हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो इसमें हमारे जो भोजन का पिरामिड होता है वो बहुत सहायता करता है। भोजन पिरामिड में क्या दिया गया है, इसमें सभी जो खाद्य पदार्थ हैं, जो खाद्य समूह हमने पढ़े हैं अभी पांच, उनसे उसको दर्शाया जाता है जो हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए, मतलब प्रत्येक खाद्य समूह में से हमें इन सभी का जो है समावेश हमारे भोजन में जरूर करना चाहिए। तो पिरामिड से जो है स्पष्ट हो जाता है कि जो सबसे ऊपर दिखाया जाता है गए जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उन जो उनकी तुलना, मतलब वो जो ऊपर जो दिखाए जाते हैं वो हमें कम मात्रा में खाने चाहिए, और जो सबसे नीचे होता है पिरामिड में वो हमें प्रचुर मात्रा में खाने चाहिए। तो भोजन का जो पिरामिड है उसका प्रयोग करके या उसको देख के हम संतुलित आहार के जो है नियोजन कर सकते हैं, उसको वैकल्पिक भोजन के साथ मतलब चयन करने में हमारी बहुत सहायता करता है। तो आपको ये पिरामिड दिया गया है भोजन का, तो आप इसको देख के ये बताएं कि क्या आप प्रतिदिन संतुलित भोजन ले रहे हैं। अगर नहीं ले रहे तो किस खाद्य समूह के पदार्थों का सेवन, मतलब आप कौन से जो इसमें ऐसे खाद्य पदार्थ हैं या कौन सा ऐसा खाद्य समूह है जिसका आप सेवन नहीं कर रहे, तो आप क्या कर सकते हैं कि भोजन पिरामिड के अनुसार अपने भोजन में और क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं, इसको देख के हम ये बताना है आपको। तो ये जो भोजन का पिरामिड होता है ये हमें हमारी सहायता करता है कि अगर हम एक चीज़ नहीं खा सकते तो उसकी जगह कोई दूसरी चीज़ ली जा सकती है जो कि हमारे मतलब जो पोषक तत्व है उनको पूरा करे, और हमारे जो है आहार जो है वो भोजन जो है वो क्या होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। तो अभी तक जितना हमने जो है चैप्टर रिवाइज किया उसके बेस पे एक छोटी सी गतिविधि या एक्टिविटी करते हैं, जिससे मतलब आपका रिवाइज हो जाएगा, पता चलेगा कि आपने ध्यान से सुना या नहीं सुना। यहाँ हमें क्या करना है कि जो दिए गए खाद्य पदार्थों की, यहाँ कुछ खाद्य पदार्थ दिए हुए हैं, उनको कार्यों के आधार पर वर्गीकृत करना है। पीछे हमने पढ़ा था कि कार्यों के आधार पर खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, तो उसी बेस पे ये एक्टिविटी है। तो यहाँ कुछ खाद्य पदार्थों के नाम दिए आपको, और उनको आपको कार्यों के आधार पर जो कैटेगरी है उनके हिसाब से आपको अलग अलग लिखना है, उनके स्थान पे लिखना है। तो इसमें जैसे पहले क्या था, ऊर्जा प्रदान करने वाले, दूसरा है वृद्धि करने वाले, और सुरक्षा प्रदान करने वाले। तो जो ये ऊपर दिए गए हैं खाद्य पदार्थ, इनमें से हमें छांट कर इन तीनों कैटेगरी में अलग अलग लिखने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो दूध है वो कौन से में आएगा। दूध को हम जैसे वृद्धि करने वाले इसमें लिख देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा गाजर।
तो यहाँ हमने दूध लिखा क्यों कि दूध में हमने क्या बताया था आपको कि दूध या दूध से बने जो पदार्थ होते हैं उनमें ज़्यादा प्रोटीन होती है, और प्रोटीन किस काम आती है, हमारे वृद्धि और विकास के काम आती है। नेक्स्ट है गाजर। गाजर के अंदर क्या होता है कि प्रोटीन विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा होती है, तो विटामिन किस में आता है, सुरक्षा जो है करने वाले पदार्थों में, तो यहाँ लिखेंगे हम गाजर। नेक्स्ट दिया हुआ है इसमें रोटी, तो रोटी के अंदर क्या होता है, अनाज के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, और कार्बोहाइड्रेट हमें क्या प्रदान करते हैं, ऊर्जा, तो रोटी हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे। इस तरह से सारे आपको अलग अलग करके लिखने हैं। नेक्स्ट है मक्का। मक्का भी क्या आता है, अनाज में आता है, और अनाज हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है घी। घी भी हमें क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, घी के अंदर वसा होती है, तो वसा और कार्बोहाइड्रेट वाले जितने भी पदार्थ है वो किस में आएंगे, ऊर्जा प्रदान करने वाला। नेक्स्ट है ब्रेड। ब्रेड भी किससे बनती है, अनाज से बनती है, तो ब्रेड भी हमारी यहाँ आएगी। नेक्स्ट है चावल। तो चावल भी अनाज में आता है, और चावल से भी हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, मतलब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इसके अंदर ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है पनीर। पनीर के अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, और प्रोटीन क्या काम आता है, वृद्धि के काम, तो पनीर हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे। नेक्स्ट है दाल। दाल, दालों में भी क्या बताया था आपको, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो जिनके अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है वो आएंगे वृद्धि करने वालों में। नेक्स्ट है घिया। घिया क्या एक सब्जी है, तो सब्जियों में और फलों में क्या बताया था कि विटामिन और खनिज लवण होते हैं, तो विटामिन और खनिज लवण का क्या काम है, सुरक्षा प्रदान करना, तो घिया हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे। नेक्स्ट है गेहूँ। गेहूँ क्या है, अनाज। अनाज क्या बताया था, ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट है पालक। पालक किस में आया, सब्जियों में, तो सब्जियाँ जो हमें सुरक्षा प्रदान करती हैं, हमें बीमारियों से बचाती है। नेक्स्ट है गुड़। गुड़ के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए जो गुड़ किस में आएगा, इसमें। नेक्स्ट है आंवला। आंवले के अंदर विटामिन सी की मात्रा होती है, तो विटामिन और खनिज लवण हमने किस में लिखे हैं, सुरक्षा प्रदान करने वालों में, तो आंवला कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे। नेक्स्ट है सेब। सेब भी हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि यहाँ हमने फल और सब्जियाँ किस में लिखा था कि सुरक्षा प्रदान करने वाले खाद्य जो हमें बीमारियों से बचाते हैं। नेक्स्ट है दलिया। दलिया भी क्या है, अनाज आता है, अनाज कहाँ लिखेंगे हम, यहाँ पे। नेक्स्ट है केला। केला किस में आता है, फलों में, तो फल यहाँ लिखेंगे जो हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, बीमारियों से बचाते हैं। नेक्स्ट है संतरा। फिर है मांस। मांस जो है इनके अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो प्रोटीन हमने कहाँ लिखा है, वृद्धि वालों में। फिर है अंडा। अंडा भी कहाँ आएगा हमारा, इसी वृद्धि करने वाले पदार्थों में। फिर है मछली, और फिर है हमारा फूल गोभी, तो फूल गोभी किस में आती है, सब्जियों में, तो जितने भी हमने इसमें क्या क्या फल और सब्जी थे जो सुरक्षा, वो क्या करते हैं, हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, दूध और दूध से बने हुए जो पदार्थ होते हैं वो, उनके अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए उनको वो उनका क्या काम होता है, हमारे शरीर की वृद्धि करने का काम। और जो भी जितने भी अनाज हैं उनके अंदर क्या होता है, अनाज है या चिकनाई वाली चीज़ें हैं, घी है, तेल है, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट और वसा की मात्रा ज़्यादा होती है, और कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों ही हमें क्या प्रदान करती हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ऊर्जा प्रदान करने वाले, वृद्धि करने वाले और सुरक्षा प्रदान करने वाले कौन कौन से भोज्य पदार्थ हैं। इस तरह से आपको एक होमवर्क दिया जाता है कि आप भी अपनी कॉपी में एक टेबल बनाना, उसमें अलग अलग से ऊर्जा प्रदान करने वाले, वृद्धि करने वाले और सुरक्षा प्रदान करने वाले जो भी खाद्य पदार्थ हैं इनके अलावा, वो अपने कॉपी में नोट डाउन करना। तो अब देखते हैं बच्चों कि हमने जितना चैप्टर पढ़ा, जितना रिवाइज किया पीछे 7th का, उसमें से आपको आपने कितना ध्यान से सुना है, उसको देखने के लिए कुछ एक जो है MCQs क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपका दोबारा से रिवाइज हो जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि कितना आपने ध्यान से सुना या कितना आपको समझ में आया है। तो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, जिस भोजन में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में विद्यमान हो उसको क्या कहते हैं, मतलब क्या कहलाता है, पर्याप्त भोजन, अपर्याप्त भोजन, संतुलित भोजन या
असंतुलित भोजन। तो हम क्या कहेंगे इसको कि जिस भोजन में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में विद्यमान हो, हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी थी किसकी थी, वो संतुलित भोजन की। तो क्या कहेंगे हम इसको, संतुलित भोजन। सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा मिलती है, नीचे दिए हुए हैं कुछ पोषक तत्वों के नाम, इनमें से ऊर्जा किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से, वसा से, या दोनों से मिलती है, या खनिज लवण में से मिलती है। तो आपको बताना है कि इन चारों में से हमें ऊर्जा किससे मिलती है। तो अभी हमने पढ़ा था पीछे कि ऊर्जा प्राप्ति के स्रोत कौन कौन से होते हैं, कहाँ कौन कौन से पोषक तत्वों से हमें ऊर्जा मिलती है, तो वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, शरीर की वृद्धि एवं नई कोशिकाओं के निर्माण में सहायक है। तो हमने क्या पढ़ा था अभी पीछे कि वृद्धि और विकास में कौन सहायक होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या खनिज लवण। तो अभी आप बताओ इनमें से कि हमारे शरीर की वृद्धि के लिए और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए इनमें से कौन सा पोषक तत्व तो हमारे लिए जरूरी है। क्या जरूरी है, प्रोटीन। क्या जरूरी है, प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन का कार्य क्या है, मेन कार्य होता है हमारे शरीर की वृद्धि करना और टूटे फूटे तंतुओं की मरम्मत करना और नई कोशिकाओं का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सुरक्षात्मक तत्व कहते हैं, किसको कहते हैं, विटामिन और खनिज लवण को, कार्बोहाइड्रेट्स को, या वसा और खनिज लवण को, या प्रोटीन को। तो इन चारों में से आपको बताना है कि सुरक्षात्मक तत्व किसे कहते हैं। सुरक्षात्मक मतलब जो हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं, जो हमें रोगों से बचाते हैं। तो कौन से हैं ऐसे, वह हैं विटामिन और खनिज लवण। नेक्स्ट है, सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है, उड़द में, काले चनों में, सोयाबीन में, या राजमा में। इन चारों में से आपको बताना है कि सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है। तो किस में होती है प्रोटीन, हमने पढ़ा था दालों में होती है, और दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होती है, सोयाबीन के अंदर जो है प्रोटीन सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ऊर्जादाता कहते हैं, ऊर्जादाता किसको कहते हैं, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, वसा को, या बी और सी दोनों को। ऊर्जादाता का मतलब है जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो हमें कार्य करने की शक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे पोषक तत्व तो कौन से हैं, कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट और वसा। तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ, बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पोषक तत्वों की उपस्थिति के आधार पर भोजन को कितने खाद्य समूहों में वर्गीकृत किया गया है, कितने समूह में किया गया है, एक, दो, चार, या पाँच। तो पोषक तत्वों की उपस्थिति के आधार पर भोजन समूहों को कितने खाद्य समूह में वर्गीकृत किया गया है, हमें इसका आंसर आएगा पाँच। तो वो पाँच कौन कौन से हैं, पहला है अनाज, क्या आता है, अनाज, दूसरा दालें और फलियां, तीसरा अंडे, दूध और दूध से बने पदार्थ, और तीसरा चौथा क्या है, फल और सब्जियां। नेक्स्ट क्या है, वसा और शर्करा। तो ये पांच खाद्य समूह हैं जिनको पोषक तत्वों के आधार पर हमने अलग अलग बांटा है। तो आंसर क्या हुआ, पांच खाद्य समूह। नेक्स्ट है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, अनाज, दालें, फल और सब्जियां। तो ऊर्जा हमें किससे मिलती है, इन सब में ज़्यादा ऊर्जा जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है या वसा की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इन चारों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा किस में ज़्यादा है, अनाजों में। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हुआ, अनाज हमें सबसे ज़्यादा जो है ऊर्जा देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भोजन पिरामिड के अनुसार नीचे वाले भाग में दर्शाए गए खाद्य पदार्थ खाने चाहिए, कैसे खाने चाहिए, कम खाने चाहिए, ज़्यादा खाने चाहिए, बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, या इनमें से कोई भी आंसर ठीक नहीं है। तो भोजन पिरामिड में क्या होता है कि सबसे नीचे कौन से होते हैं, आपने पढ़ा था कि सबसे नीचे होते हैं अनाज, और अनाज से जो मतलब जितने भी अनाज आते हैं वो, या दूध और दूध से बने पदार्थ जो हैं वो आते हैं। फिर उसके बाद आता है फल और सब्जियों, उसके ऊपर फिर आता है जो भी तली हुई चीज़ें हैं, घी है, मतलब तेल है, या जो भी इस तरह की चीज़ें हैं जिनके अंदर फैट ज़्यादा मात्रा में होता है,
और सबसे ऊपर आता है कि जितनी भी जो तली हुई या बाजार की चीज़ें हैं या जो ज़्यादा तली हुई है वो चीज़ें, तो हम इनमें से ऊपर में से नीचे में से आप जो है बताइए कि नीचे वाले भाग में दर्शाए गए खाद्य पदार्थ कम खाने चाहिए या ज़्यादा खाने चाहिए। सबसे नीचे होते हैं अनाज, तो अनाज हमें ज़्यादा खाने चाहिए बजाय कि तली हुई चीज़ों के। लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन कितने गिलास पानी पीना चाहिए, 3 से 4 गिलास या 10 से 12 गिलास या 1 से 2 गिलास या 4 से 5 गिलास। तो कितना पानी पीना चाहिए एक स्वस्थ आदमी को, सामान्य व्यक्ति को? 10 से 12 गिलास पानी हमें ज़रूर पीना चाहिए रोज़ का, जिससे हमारे शरीर की जो है वो सफाई होती रहे और हमारे शरीर का टेम्परेचर सही रहे। तो इसका आंसर क्या आएगा, 10 से 12 गिलास हमें रोज़ पानी पीना चाहिए। तो सभी बच्चे इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट डाउन करें और याद करें। तो बच्चों आज हमने सीखा या पढ़ा या रिवाइज किया कि आपने आज के चैप्टर से संबंधित, जो हमारी कक्षा 8 का चैप्टर पहला है, उससे संबंधित कक्षा 7 में आपने क्या याद किया था, क्या पढ़ा था, उसको रिवाइज किया। और आपने यह भी जाना कि जो हमारा चैप्टर आज का चैप्टर है उसको समझने के लिए कक्षा 7 का जो चैप्टर था हमारा संतुलित भोजन, उसको रिवाइज करना कितना महत्वपूर्ण है। अब हम आज अगली वीडियो में अपनी कक्षा 8 का, नई कक्षा का नया पाठ, पहला पाठ जो है भोजन के पोषक तत्व, वो पढ़ेंगे। तो अगली कक्षा में आप नए जोश और नई उमंग के साथ मिलना, ताकि हम नई एनर्जी के साथ, अच्छे उत्साह के साथ जो है नई क्लास को स्टार्ट कर सकें। आज का हमारा जो था रिवीजन का मतलब क्लास थी, नेक्स्ट सेशन में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।